पादरू में किराना व्यापारी की दुकान में घुसकर दिन दहाड़े हत्या, गर्दन और सिर पर कुल्हाड़ी से किए ताबड़तोड़ वार, मौके पर ही मौत। बाइक सवार नकाबपोश बदमाश ने दुकान में घुसकर किराना व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से गर्दन, सिर समेत शरीर के कई हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार किए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना बालोतरा के पादरू कस्बे में बुधवार करीब 11:47 की है। खून से लथपथ व्यापारी को स्थानीय लोगों ने पादरू हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। मामले में एक संदिग्ध को डिटेन किया है। जानकारी के अनुसार उसुबलाल जैन उम्र 60 की पादरू में निखिल किराना स्टोर के नाम से दुकान है। वह रोजाना की तरफ बुधवार सुबह दुकान पर आए थे। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि लाल कलर की स्प्लेंडर बाइक से एक नकाबपोश बदमाश आया था। उसुबलाल कुर्सी पर बैठे थे। बदमाश ने दुकान के अंदर घुसते ही कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया। करीब 4 से 5 बार वार किए। आसपास के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही बदमाश बाइक लेकर फरार हो गया। गर्दन पर कई जगह कट चुकी थी, वहीं सीने और सिर पर भी कई वार किए थे। गंभीर घायल व्यापारी को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंची तो ऑटो रिक्शा से हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। व्यापारियों ने बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। व्यापारी की मौत की सूचना के बाद बड़ी संख्या में पादरू हॉस्पिटल के बाहर एकत्रित हो गए। व्यापारियों ने इस घटना के विरोध में पादरू के प्रमुख बाजार बंद करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों का कहना है कि घटना से भय का माहौल बना हुआ है। डीएसपी नीरज शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीण और स्थानीय व्यापारी इकट्ठा हो गए हैं। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में एक संदिग्ध को डिटेन किया है। फिलहाल जांच में किसी तरह की रंजिश की बात सामने नहीं आई है। फिलहाल इलाके में शांति की व्यवस्था बनी हुई है। जानकारी के अनुसार पादरू गांव में दुकान के पास ही व्यापारी का घर है। उसके 3 बेटी और 1 बेटा है, जो हैदराबाद में रहकर कपड़े का व्यवसाय करते हैं। सूचना के बाद परिजन हैदराबाद से गांव के लिए रवाना। पादरू चौकी सिवाना थाना बड़ोतरा जिले के पादरू गांव में सुबह 10:42 के आसपास एक घटनाक्रम हुआ, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक व्यापारी को कुल्हाड़ी से हमला करके घायल कर दिया गया, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुँचने पर मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिवाना SHO जिंदरी, SHO जसोल इंचार्ज सिवाना थाना बड़ोतरा मौके पर भेजा गया। मुलजिम की आइडेंटिफिकेशन के लिए DST साइबर टीम को रवाना किया गया। FSL टीम को बाड़मेर से बुलाया गया। CCTV फुटेज अवेलेबल से तथा प्रारंभिक पूछताछ से ये पता चल गया, संदिग्ध व्यक्ति का नाम आया सामने, उसको डिटेन कर लिया। जिले भर में नाकाबंदी करवाएगी, उसको डिटेन करेगी। सभी पूछताछ चल रही है। घटनाक्रम के बारे में, घटना में और कोई लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं है, घटना कारित करने का मुख्य वजह क्या रही है। अभी मृतक की बॉडी हॉस्पिटल में रखी हुई है। परिवारजनों द्वारा FIR देने का FIR रजिस्टर करके मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटनाक्रम में कितने आरोप हैं? CCTV फुटेजों के अवलोकन से एक ही व्यक्ति का अभी तक इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। फुटेजेस में एक आदमी मोटरसाइकिल पर मुंह बांध के आता हुआ हमला करके वापस भागते हुए दिख रहा है।